सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। तो आज की ये वीडियो है, ये मैं अपलोड करूंगा हिंदी में। पहली वाली वीडियो जो मैंने अपलोड की थी वो इंग्लिश में थी, इंडियन एजुकेशन सिस्टम पार्ट वन कोर्स 501 की। तो ये है, हिंदी में अपलोड कर रहे हैं ताकि कंपैरिजन हो सके कि हिंदी में आसानी होगी पढ़ने में कि इंग्लिश में होगी। तो ये है भारतीय शिक्षा प्रणाली भाग दो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूनिट से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये एक ओवरव्यू वाली वीडियो है, तो ये कोई परफेक्ट प्लान नहीं है और ये एक रेफरेंडम ले रहा हूँ मैं कि जैसा रिस्पॉन्स आएगा उस हिसाब से मैं इस कोर्स को और अच्छे से करूँगा और आप लोग के लिए वीडियोस और नोट्स दूंगा। तो जैसा आप लोग का रिस्पॉन्स होगा वैसे वीडियो आगे मैं बनाऊँगा। तो रिस्पॉन्स के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे DLED से रिलेटेड मेरे, मैं उतना ही जल्दी आप लोग को अवेलेबल करूँगा कोर्स से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय शिक्षा प्रणाली भाग दो, तो सबसे पहले चीज़ यहाँ पे आती है वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना मतलब होता है इंट्रोडक्शन। तो किसी भी यूनिट का, चाहे कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं, तो उसके इंट्रोडक्शन को कम से कम दो बार पढ़ें। मेन कॉन्सेप्ट उस वीडियो के इसी में ही होते हैं, तो आप लोग इंट्रोडक्शन को दो बार पढ़िएगा। चलिए इंट्रोडक्शन नीचे देखते हैं। शिक्षा आयोग और समिति आयोग, मुद्रित आयोग, दुर्गाबाई देशमुख, कोठरी आयोग, इन सभी आयोग के ईस्वी यानी स्थापना दिवस और कब कब ये आए थे और कौन किसने इसे स्थापित की थी, सभी को याद करेंगे क्योंकि 15 MCQ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1-1 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो इन सभी के बारे में भी पूछा जा सकता है कि किस आयोग की स्थापना कब हुई थी। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं उद्गम उद्देश्य। इन पॉइंट्स को भी ठीक से देखिएगा, इसके बारे में भी पूछ सकता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपके लिए। तो ये वाली PDF है जो आप जाके वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। स्वतंत्र भारत में गठित शिक्षा आयोग समितियाँ की संसूतियाँ, राधा कृष्ण आयोग, मुरलीधर आयोग, महिला शिक्षा एवं राष्ट्रपति राष्ट्रीय समिति, कोठरी आयोग, यशपाल समिति। अब इन सब के नीचे इन सभी आयोग के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। राधा कृष्ण, इन सभी को ठीक से पढ़ेंगे क्योंकि वेरी शॉर्ट आंसर्स में आपसे पूछ सकता है राधा कृष्ण आयोग के बारे में बताएं, तो आपको 2-3 लाइन में आंसर दे सकते हैं। ईश्वी याद कर लीजिएगा, किसने स्थापित की, क्या इसका महत्व था, इन सभी को याद कर लीजिएगा। दूसरा है मुरलीधर आयोग, इसको भी उसी तरह से पढ़ना है। फिर अब समितियों की बारी आएगी, तो महिला शिक्षा और राष्ट्रीय समिति, दुर्गाबाई देशमुख समिति, तो इसको भी ठीक से पढ़ेंगे। फिर कोठरी आयोग, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, शॉर्ट वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में पूछ सकता है। एक क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर से आएगा जो एक क्वेश्चन 10-10 मार्क्स का हो, यानी 200 वर्ड्स आपको कम से कम लिखने होंगे उसमें। तो उसमें ऐसे पूछ सकता है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में जितने भी आयोग और समिति थे उनके बारे में, उनके उन पर प्रकाश डालें। तो आपको सभी के सभी पॉइंट्स डालने होंगे, कौन कौन से पॉइंट्स आए, उसमें क्या क्या से बदलाव हुए। तो आप अगर ठीक से पढ़िएगा तो आपको आसानी से ये सब समझ में आ जाएगा। राष्ट्रीय मूल के अंतर्वेशन, इंक्लूजन के बारे में आया हुआ है, तो इसको भी ठीक से पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्या आगे कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। यहाँ पे समिति और आयोग इस यूनिट में काफ़ी ज़्यादा है, तो यशपाल समिति, इसके भी गठन लाइन बारे में पढ़ा ठीक से, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी और इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आएगा, 10 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में आएगा, तो पूछ सकता है यशपाल समिति के बारे में बताएं। तो 2-2 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन होगा, तो इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ NPI, राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ के बारे में भी आपसे पूछ सकता है। 1968 में इसकी स्थापना हुई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, इससे रिलेटेड कौन कौन से इसमें रिफॉर्म्स आए थे, कौन कौन से इसमें पॉइंट्स थे, यानी कौन कौन सी इसमें सूची थी, नियम कानून थे, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। 2 बार अगर कोई भी ब्लॉक को आप पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से रिविज़न हो जाएगी। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकता है, ईस्वी पूछ सकता है, किसने स्थापित की थी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स थे। जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इस नीति के मुख्य लक्षणों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं, तो आपको ऑप्शन में दे देगा, बताइए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कौन कौन से लक्षण सम्मिलित हैं, आपको ऑप्शन दे देगा। आप अगर आप सही से पढ़ेंगे तो आप उसका आंसर दे पाएंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में भी पूछ सकता है, प्रारंभिक शिक्षा के सरोकार, निम्न पंजीयन, बीच में विद्यालय को छोड़ने वाले विद्यार्थियों की ऊँची दर, ड्रॉप आउट लिस्ट, इन सभी के बारे में आपसे पूछ सकता है। सीधा सीधा क्वेश्चन होगा, कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं होगा, आसान क्वेश्चंस होंगे। 8 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली की संरचना, इसके बारे में 8 वर्षीय शिक्षा प्रणाली की संरचना के बारे में पहले यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है, भारत में विद्यालय शिक्षा प्रणाली की संरचना। ऐसे क्वेश्चन हो सकता है शॉर्ट आंसर्स में कि भारत में विद्यालय शिक्षा प्रणाली की संरचना के बारे में कुछ फोकस डाले। अब देखिए इसमें टेबल दिया हुआ है,
पूर्व प्राथमिकता, निम्न प्राथमिकता, तो अगर आप इस टेबल को क्वेश्चन में आंसर में लिखते हैं तो आपके जो क्वेश्चन होगी वो क्वाइट इनोवेटिव होगी, तो आपको मार्क्स मिलने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी आपकी, यानी आपको मिले। राष्ट्रीय पाठ्यचार्य रूपरेखा NCF, यहाँ पे NCF के बारे में दिया हुआ है, सब पढ़ लेंगे, कम से कम दो दो बार हर टॉपिक को रीड करेंगे और सोचेंगे कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे देखिए, आगे प्रारंभिक विद्यालय पाठ्याचार्य के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, यानी राइट टू एजुकेशन के बारे में दिया हुआ है, तो इसको भी पढ़ेंगे, काफ़ी लंबी दी हुई है तो इसको भी पढ़ेंगे। आपको पता ही होगा कहाँ से आपको PDF डाउनलोड करना है, NIOS के वेबसाइट पे जाएंगे, मैंने वीडियो भी बनाई हुई है। स्टडी मटेरियल में जाएंगे, अभी आपको चार कोर्सेज के हिंदी में अपलोड किए हैं वेबसाइट ने, यानी कोर्स 501 से कोर्स 504, तो ये कोर्स 501 का यूनिट 2 है, तो आप लोग देखिए। ये एक ओवरव्यू वीडियो है, जैसा आपका रिस्पॉन्स आएगा मैं नोट्स आप लोग को, अगर आप लोग को कराएगा तो ही मैं नोट्स दूंगा, क्योंकि समय फालतू तो है नहीं कि आदमी किसी के लिए नोट्स बनाए और कोई पढ़ना ही नहीं चाहे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में केवल इतना लिखिए, नोट्स 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 NOTES नोट्स, जो कमेंट्स आएंगे उसके हिसाब से आप लोग को 2 या 3 दिन के अंदर मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा। और सबसे ज़रूरी बात, इंट्रोडक्शन यानी जो प्रस्तावना होती है और सारांश, इनको 3-3 बार 4-4 बार पढ़ें। पूरे यूनिट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो इन्हीं दोनों में होता है, और ये पूरी एग्ज़ाम कॉन्सेप्चुअल एग्ज़ाम है। फिर से मैं रिपीट करूँगा, 70 नंबर का आपका रिटर्न पेपर होगा, इसमें 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑप्शन वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1-1 नंबर के 15 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 2-2 लाइन के क्वेश्चन होंगे जो भी 1-1 नंबर के होंगे, 10 पूछे जाएंगे आपसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो 2-2 नंबर के होंगे, और 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10-10 मार्क्स के, यानी टोटल 70 मार्क्स 70 में। बाकी के जो भी होंगे वो होंगे आपको प्रैक्टिकल PCP यानी एक्टिविटीज़ वाले, जो आपके विद्यार्थी या राज्य सरकार आपके लिए उपयोग आपके लिए उपलब्ध कराएगी, तो उसमें वो 30 नंबर की होंगी, जिसमें आपको लानी होंगी कितनी मार्क्स, आपको लानी होंगी 12 पास करने के लिए। पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होगा 700 नंबर का, जिसमें 45% मार्क्स चाहिए आप लोगों को पास करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे आप लोगों का रिस्पॉन्स आएगा उस हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और वीडियो पे रिस्पॉन्स बढ़ाएं, ताकि मैं आप लोग के लिए और मेहनत कर सकूं और नोट पढ़ाऊँ, और एक अच्छे तरह से एक सेशन पूरा, मैं चाह रहा हूं कि मैं पूरे DLED कोर्स का लॉन्च, अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे तो मैं करूँगा, आप लोग की रिस्पॉन्स आएगी तो मैं करूँगा। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक और बात बता दूँ, आखिरी दिन है, तो जिन लोगों ने पेमेंट नहीं किया वो पेमेंट करके अपने कन्फर्म का स्टेटस को चेक करें। एडमिशन स्टेटस चेक करने का वीडियो भी मैंने डाला है, उसको भी देखिए आप, और आप लोग पता आप लोगों को पता लग जाएगा। वैसे वीडियो के लास्ट में जो प्लेलिस्ट मैं लॉन्च करूँगा, वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट मैं डालूँगा, तो आप लोग उससे सभी वीडियोस देख सकते हैं। एक बार देखिए, रिव्यू करिए, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।